छत्तीसगढ़ के गंडई में एक शव सड़ी गली अवस्था में मिला है। जब पुलिस ने जांच तफ्तीश शुरू की तो चौंकाने वाला सच सामने आया है। माना जा रहा है कि पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की थी। इस वारदात में मृतक का साला भी शामिल था। दोनों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बाद में छुई खदान ब्लॉक के पैलीमेटा बांध में शव को फेंक दिया था। हालांकि गोताखोरों की मदद से शव को निकाल लिया गया है। शव की हालत काफी खराब हो चुकी थी। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता रविंद्र सिंह निवासी परपोड़ी जिला बेमित्रा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके साडू धमकौर सिंह सन्यू कहीं लापता हो गए हैं। शक होने के आधार पर पुलिस ने गुमशुदा की पत्नी निशा कौर सन्यू व ससुराल वाले से पूछताछ की गई, जो गुमशुदा के अपहरण तथा आत्महत्या करने संबंधी दिग्भ्रमित करने वाली बातें बताने लगे। फिर पुलिस ने गुमशुदा की पत्नी व ससुराल वालों की कॉल डिटेल के आधार पर लगातार दो दिनों तक पूछताछ की। इस दौरान गुमशुदा की पत्नी निशा कौर द्वारा अपने पति चमकौर सिंह की 31 अक्टूबर की रात्रि अपने भाई जसबीर सोनी द्वारा चाकू मारकर हत्या कर शव को पैलीमेटा डैम में फेंकने की बात कबूली गई। बताया गया कि उन्होंने शव को चादर में लपेटकर दो बड़े वजनी पत्थरों के साथ बांध में फेंक दिया था। छत्तीसगढ़ से संवाददाता राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। सर, ये पैलीमेटा में एक सरदार जो रोड के ऊपर पेचकस पाना चाकू गंडी में आके बाजार में बैठ के बेचता था, उसका आज से 6 दिन पहले मर्डर हुआ और उसको बांध पैलीमेटा बांध में बांध के फेंक दिया गया था, वो क्या मामला था बताइए। ये 31 अक्टूबर की बात है। उस रोज रात में उसकी पत्नी और वो घर पर थे, किसी बात को लेकर उनमें बहस हुई है और उसके बाद में अचानक से उसकी पत्नी का भाई भिलाई से दूर से आता है और आने के बाद में उसको ताबड़तोड़ हमला करके चाकू मार के घायल कर दिया और अर्ध चैतन्य अवस्था में उसको उठा करके ले जा करके पेट्रोल डाल करके मगरपुर के पास में आग से जलाया और उसके बाद में फिर वहाँ से वो भाग गया। इसके संबंध में थाना मोहगांव थाना प्रभारी के पास में प्रार्थी रविंद्र सिंह के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई जिसमें गुमशुदगी दर्ज की गई मृतक चमकौर सिंह संधू के नाम से और लगातार पतासाजी करने के लिए टीम बनाई गई। टीम के द्वारा कॉल डिटेल को खंगाला गया, आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई और 2 दिन तक काफ़ी प्रयास किया गया और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उन्होंने बहुत ही जल्दी इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की और इसमें घटनाक्रम यह है कि वो मृतक की किसी बातों से काफ़ी क्षुब्ध रहती थी और वो हमेशा आए दिन झगड़ा विवाद उनका होता रहता था और पहले काफ़ी टाल मटोल करते रहे, अंततः उन्होंने अपना गुनाह को कबूल किया और मृतक की हत्या करके डैम में जहाँ पे फेंका गया था उस स्थान से उसकी शव को बरामद किया गया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मृतक को जलाने में जिस पेट्रोल का और जिस गाड़ियों को उसको डेड बॉडी को डिस्पोजल करने के लिए जाने के लिए उपयोग किया गया मोटरसाइकिल स्कूटी और टाटा मैजिक ये सब जब्ती किया गया है। आला जरा जब्ती करने के बाद में आरोपियों की दोनों की भाई बहन की गिरफ्तारी की गई है और इसमें थाना उनकी टीम एएसआई यादव और पूरी टीम जो है बधाई के पात्र है उनके द्वारा लगन और मेहनत से कार्य किया गया है। आरोपियों के रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। सर आरोपियों का नाम बताइएगा। आरोपीगण इसमें निशा कौर है और उनका भाई जो है जसबीर सोनी दो भाई बहन दोनों मृतक के पत्नी और साला। क्या क्या धारा लगाएंगे इसमें? धारा 320 भी धाराओं के तहत उनके ऊपर कर रहे हैं। बरामदगी के लिए हर संभव प्रयास किया गया है, काफी कलाम में भेजा गया था तो उसमें हम निवेदन करेंगे कि अभी इसका पुलिस कस्टोडियल रिमांड इसका और दिया जाए और भी जो बाकी पूछताछ है वो हम संपन्न कर सकते हैं। क्या इसमें और कोई भी आरोपी निकल सकते हैं दो के अलावा? तो यही है और इससे आगे तो अभी तक कोई भी ऐसा तथ्य नहीं आया है। जो आरोपीगण है उनको गिरफ्तार किया गया है। अपना नाम और पद बताओ। राजीव कुशी एजीपी गंडई। यस सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.